Assalamu alaikum viewers. Today our topic is finding derivative of a function from definition of derivative. इसमें गिवन होता है हमारे पास एक फंक्शन f of x, its derivative यानी कि उसको डिनोट किया जाता है प्राइम x से अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये इट कैन बी फाइंड बाय फॉलोइंग फोर स्टेप्स. इसको हम नीचे दिए गए फोर स्टेप्स की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप है हम फाइंड करेंगे f of x plus delta x. यहाँ पर ये वर्ड डेल्टा है, लेटन वर्ड है, इसको ऐसे लिखते हैं. इसकी जगह ये भी इस्तेमाल हो सकता है लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये इस्तेमाल हुआ है इसलिए हम भी यही डेल्टा इस्तेमाल करेंगे. और इसको लिखा ऐसे जाता है और ये वर्ड है डेल्टा. नेक्स्ट स्टेप में हम एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे. आफ्टर दैट हमने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करना है डेल्टा एक्स से और सिंप्लीफाई करना है. और लास्ट में हमने लिमिट ले लेनी है. लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स, इसको हमने एफ प्राइम एक्स कह देना है. यानी कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव है बाय डेफिनेशन. इस प्रोसेस को हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बाय डेफिनेशन का नाम देते हैं और बाय एबनिशियो का नाम देते हैं और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का नाम देते हैं. हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 में find by definition the derivative with respect to x of this function. Function mean कोई भी ऐसा expression आ सकती है जिसमें x involve हो रहा हो. तो यहाँ पर हमारे पास 2x square plus 1 है तो हम suppose करेंगे f of x is equal to 2x square plus 1. हमारे पास ये function given है. First step में हमने ये करना है f of x plus delta x find out करना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे x को बाय x प्लस डेल्टा x से. तो दो जगह पर इस इक्वेशन में हमारे पास x लिखा हुआ है, दोनों जगह पर हम x की जगह x प्लस डेल्टा x रिप्लेस कर देंगे. ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे आफ्टर दैट. सिंप्लीफाई करने के लिए 2 उसी तरह आ जाएगा. ये x plus delta x यानी कि a plus b का whole square बन रहा है. इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन इस तरह करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म यानी कि x, सेकंड टर्म यानी कि डेल्टा x प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर आ जाता है और प्लस 1 जैसे पहले लिखा हुआ था वैसे ही हमने लिख दिया. इसके बाद हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x square आ जाएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 4x बन जाएगा, आगे डेल्टा x वैसे ही आ जाएगा प्लस 2 डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये 1 बाहर है, 1 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा. ये f ऑफ x प्लस डेल्टा x हमारे पास नीचे आ रहा है. तो यहां पर हमारे पास सेकंड स्टेप यानी कि f ऑफ x, फर्स्ट स्टेप हमने f ऑफ x प्लस डेल्टा x कंप्लीट कर लिया और सेकंड स्टेप हमने जो कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स है उसको हमने कंटिन्यू करना है. उस स्टेप के लिए हम इसमें से इस इक्वेशन को माइनस कर देंगे. जैसा कि हमारे पास स्टेप में है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करें, इसको अगर हम 1 का नाम दें और इसको अगर 2 का नाम दें तो यहां पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, यानी कि 2 में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है. लेफ्ट साइड में हम f of x plus delta x लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड माइनस करेंगे. इसी तरह हम राइट साइड में राइट साइड को माइनस करेंगे. इसकी राइट साइड लिखते हैं सबसे पहले 2x square plus 4x delta x प्लस 2x डेल्टा x स्क्वायर प्लस 1, ये हमने लिख ली. माइनस सेकंड साइड इसकी, इसको माइनस करते हैं हम 2x स्क्वायर प्लस 1 और इसको हमने फिर सिंप्लीफाई करना है. स्टेप 2 कर रहे हैं हम f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू, ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को, 2x square plus 4x delta x
प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर, टू डेल्टा एक्स स्क्वायर ये था ये, उसके बाद प्लस वन और माइनस, इसको माइनस करेंगे हाँ, माइनस टू एक्स स्क्वायर और माइनस का वन, क्योंकि बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का टू एक्स स्क्वायर और प्लस का टू एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस का वन और प्लस का वन कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, फोर एक्स डेल्टा एक्स प्लस टू डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। यहां पर हमारे पास टू स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, हमने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लिया हुआ है, फाइंड आउट कर लिया और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई भी कर लिया है। थर्ड स्टेप में हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स को हमने डिवाइड करना है डेल्टा एक्स से, तो हम यहां पर डिवाइड करते हैं थर्ड स्टेप के लिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, जो दोनों साइड्स हैं उनको डेल्टा एक्स से हम डिवाइड करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स आ जाएगा, और राइट साइड पर भी डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, राइट साइड को ऊपर से डेल्टा एक्स दोनों में आ रहा है, डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स कंप्लीट हो चुका है और इसको हमने सिंप्लीफाई भी कर लिया। After that, हम लिमिट लेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो, तो यहां पर हम लिखेंगे टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो ऑन बोथ साइड्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, राइट साइड में भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच जीरो, फोर एक्स प्लस टू डेल्टा एक्स। अब देखें बाय डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, जब लिमिट अप्रोच कर रही हो डेल्टा एक्स अप्रोच जीरो, इसको हम एफ प्राइम ऑफ एक्स कहते हैं, यानी कि ये डेरिवेटिव है फंक्शन का एट द पॉइंट एक्स, तो इसको हम एफ प्राइम एक्स कह लेते हैं, राइट साइड में हमारे पास फोर एक्स एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि हमने जो लिमिट पुट करनी है वो डेल्टा एक्स की जगह पुट करनी है, तो डेल्टा एक्स की जगह जीरो आ जाएगा प्लस टू इंटू जीरो, तो फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा फोर एक्स, और इस मेथड को हम बाय डेफिनेशन भी कहते हैं, बाय एबनिशियो मेथड भी कहते हैं और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं।